देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया, मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। निकाय चुनाव की मतगणना आज सुबह 8 बजे से शुरू होगी। मतगणना 2 चरणों में 4 मई और 11 मई को वोट डाले गए हैं। मतगणना को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। मतगणना केंद्र में बिना पास के मतगणना केंद्र में एंट्री नहीं मिलेगी। तो तैयारियां किस तरीके से मुकम्मल है वो आपको बता रहे हैं, क्योंकि आज बेहद ही खास दिन है जहां मतगणना होगी, यानी कि परिणाम सामने आएंगे। तो 87 कंपनी पीएससी और 35 कंपनी किस तरीके से तैनात की गई है। केंद्रों पर सीसीटीवी की व्यवस्था की गई है, प्रॉपर मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई है। मतगणना स्थल पर त्रिस्तरीय सुरक्षा का घेरा तैयार हुआ है। 334 मतगणना स्थल पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। डीजीपी मुख्यालय से 151 अपर पुलिस अधीक्षक और 467 पुलिस उपाधीक्षक, 296 निरीक्षक और 11,445 उप निरीक्षक, 18,353 हेड कांस्टेबल, 49,650 कांस्टेबल, 5,869 होमगार्ड, 87 कंपनी पीएससी और 35 कंपनी सीएपीएफ की तैनात की गई है। केंद्रों पर सीसीटीवी की व्यवस्था है, डीजीपी मुख्यालय से मॉनिटरिंग होगी। तो ये कड़ी व्यवस्था है आज मतगणना की, जहां सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी, यानी कि वोटों की गिनती शुरू होगी। और आखिर शहर में सरकार किसकी बनेगी, शाम तक ये साफ हो जाएगी तस्वीर। लेकिन इससे पहले जो व्यवस्थाएं हैं वो लगातार आपको बता रहे हैं। 2 चरणों में मतदान हुआ, 4 मई और 11 मई को शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ। और इसके साथ आज इंतजार किया जा रहा है नतीजों का, कि आखिर कौन शहर की सरकार बनाने में सबसे आगे, क्योंकि दावे सबके अपनी अपनी जगह है। लेकिन इस बीच जनता ने किसके काम पर मोहर लगाई है, ये देखना आज महत्वपूर्ण रहेगा। तो बेहद ही खास दिन, आज नतीजे सामने आएंगे। निकाय चुनाव में किसका डंका बजा है ये साफ हो जाएगा। शाम तक ये तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। सुबह 8 बजने के साथ मतगणना की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और मतगणना स्थल पर ट्रिपल लेयर सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। 334 मतगणना स्थल पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है। डीजीपी मुख्यालय से 151 अपर उपाधीक्षक तैनात किए गए हैं और पूरी तैनाती के साथ आज मतगणना की तैयारी है।